औरंगाबाद जिले के बनखेड़ी तहसील के ग्राम पंचायत सुरेला रणधीर में सचिव आसाराम मेहरा द्वारा सन 2014 और 15 में शौचालय निर्माण लापरवाही कर शौचालय निर्माण कराकर सिर्फ भवन तैयार किए गए, शौचालय के गड्ढे नहीं कराए गए। खबर गांव के लोगों द्वारा इसकी जानकारी मिलते ही जब इसकी पड़ताल की गई तो सुरेला रणधीर जाकर हितग्राहियों से बात की, जिसमें लगभग 15 हितग्राहियों के शौचालय निर्माण सचिव आसाराम मेहरा द्वारा सन 2014 और 2015 में शौचालय निर्माण का कार्य किया गया, जो कि सरपंच भैयालाल ठाकुर के शासनकाल में किया गया। हितग्राहियों ने बताया कि सचिव आसाराम मेहरा ने हितग्राहियों को भवन निर्माण कर फोटो खींचकर शासन की योजनाओं का मजाक बनाकर रख दिया। शौचालय भवन का निर्माण कर शौचालय के गड्ढे आज तक नहीं किए गए। जब 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की बैठक में रोजगार सहायक ललित पटेल ने जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया ये काम सचिव आसाराम के शासनकाल में हुआ है, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। क्या सचिव ने शौचालय की टैंक ही गोलमाल कर दिए, जिससे ये प्रतीत होता है कि सचिव ने शासन की योजनाओं की धज्जियां उड़ाई। ग्राम सुरेला में ऐसे 15 से 20 शौचालय हैं जिनमें वहां शौचालय का ढक्कन बनाया गया मगर ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय के टैंक नहीं बनाया गया। पूर्व सचिव आसाराम के शासनकाल में लगभग 104 शौचालय का निर्माण किया गया। बैठक में नोडल अधिकारी एस के बिहारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि सचिव आसाराम के कार्यकाल की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं 2 साल पूर्व ग्राम पंचायत सुरेला के कार्यकाल को संभाल रहा हूँ। बैठक में ग्रामवासियों से वार्ड मेंबर ने पूछा तो ग्रामवासियों ने बताया हमें नहीं मालूम वार्ड मेंबर कौन है, और लोगों का कहना है कि रोजगार सहायक के अलावा हमने सचिव को आज तक पंचायत में नहीं देखा। देखना ये है कि प्रशासन आसाराम मेहरा पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। सरकार में कितने नाम है छुड़ी लाग जा बताओ हमको पहले हमें बैठेंगे हम नहीं बैठ रहे हैं एक घंटा बैठो 2 घंटा बैठो देखिए यहाँ भी जो समस्या है टाइम डाल दो कि इतने बजे बस इतने बजे हम मिल रहे हैं बिल्कुल हम मिलेंगे बस उतने बजे आके आप देख लिया करो अपना काम करो फुर्सत करो ठीक है। आज आप यहाँ से इसको खाली करवा लें ठीक है ना। नहीं देखो वो व्यवस्था आपको करनी है लेकिन ये कंप्यूटर कक्ष है यहाँ पे रोजगार सहायक को बैठना है भैया। और आप यहाँ कब कब बैठोगे, मतलब आप जब बैठते हो भाई आते तो हो पंचायत यार क्या नाम है? मदन कहार। कौन से गांव में निवास करते हो? सुरेला में रणधीर। ये आपका शौचालय कब बना हुआ है? 2 साल हो गए आज। किसने बनाया था? आसाराम। अब आसाराम है तो कौन है ठेकेदार वो मालूम नहीं है। आसाराम तो सचिव था आपका। आसाराम सचिव था। सचिव ने बनाई है क्या? सचिव ही ने तो बनवाई थी, वही तो आए थे जिन सचिव ने बनवाई थी। हाँ क्या बोल रहा था? बोलो कि तुम लैटरिंग बनवा लो। हमने कहा हो जी भाई सच्ची कुल बात आई है। नहीं तो उसने पैसा दिया था कि बनवाई थी? पैसा वैसा नहीं, उसने बना के दी, बना दी थी। गड्ढा नहीं खोदा? गड्ढा मड्ढा नहीं। कुछ पेंशन के आए 3 आवेदन प्रधानमंत्री आवास संबंधित, शौचालय संबंधित। प्रधानमंत्री आवेदन अभी किसी की नहीं है, बात की करी है गाँव वालों ने, आवेदन नहीं आया। तो गाँव के कुछ लोगों की और कुछ समस्या वगैरह थी क्या? हाँ कुछ लोगों की साफ सफाई से संबंधित है, एक नल भी खराब हो गया है, कुछ रोड से संबंधित भी है।
तो ये कितने समय तक हल हो जाएगी? ये प्रस्ताव में ले लिया है, अब हमारे सचिव मुझे तो मालूम नहीं है, शायद पूरन दिन है वो वापिस आ जाएंगे तो कार्रवाई चालू करवाएंगे। यहाँ बैठक वगैरह में सचिव सरपंच वगैरह उपस्थित नहीं हुए? ये तो साहब मुझसे बेहतर ग्रामीण ही जानते हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ। टोटल कितने पंच तीन पंच है क्या? पंचायत में पंच कभी आते हैं? आते हैं कभी कभी आते हैं। अभी बैठक में आए क्या? आज की बैठक में नहीं आए। बारिश की वजह से, अब जैसे ये बरसात अब खत्म हो गई तो सब हो। आपकी पंचायत में टोटल कितने कर्मचारी हैं? टोटल कर्मचारी 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं तो अभी बैठक में मुझे एक भी नहीं देखे आपके पास? नहीं थे ना, इधर बैठे थे अपने आंगनबाड़ी। सफाई कर्मी है क्या? सफाई कर्मी अढ़ाई से बुलवाते हैं। ढोर आ जाते हैं यहाँ क्योंकि हवा की वजह से हमने ये बाउंड्री थोड़ी सी करवा दी थी। अभी साहब ने ये बताया है कि आप एक बाउंड्री ले रहे यहाँ से, तो अपना ताला डाल दिया, ढोर वोर सब व्यवस्थित हो जाएगा। खबर भारत वर्ष के लिए बनखेड़ी से कमलेश नामदेव की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।